वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले के साथ ही अब शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार कंटेनमेंट जोनों की संख्या बढ़ती जा रही है। महानगर में अब तक कुल 18 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग कर सीमांकन कर दिया गया है, जहां पर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोई जा ना पाए। यदि कोई आता जाता है तो उसके लिए प्रत्येक कंटेनमेंट एरिया में रजिस्टर रखा गया है, जिस पर आने जाने वाले लोगों का नाम पुलिसकर्मी लिख रहे हैं, जिसके तहत बुधवार को एसपी सिटी सोनम कुमार एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन का स्थलीय निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान तिवारीपुर थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, उप निरीक्षक विकास सिंह, योगेंद्र सिंह सहित लेखपाल एवं पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, रेलवे लाइन के बीच वहाँ से कोई आगे ऑनलाइन अप्लाई किया था। Thank you.
मार्केट में कई लोग अभी एसएसपी साहब के निर्देश पे और डीएम सर के निर्देश पे हम लोगों ने एसपी सिटी और मैंने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है सूरज कुंड स्थित, और वहाँ पर जहाँ पर फीजबल हो वैरियर, जिसको आसान भी हो, जिससे लोग अपना सब्जी वगैरह भी ले लें, सफाई के गाड़ियाँ भी निकल आएँ, पोर्टेबल बैरियर के निर्देश दिए हैं और सक्सेसफुल है, सब दुकानें भी बंद हैं और इसे 10 तारीख तक कंटिन्यू रखा जाएगा। सर ये ज़रूरी सामानों के लिए लोगों को किस तरीके से करवाएं? ज़रूरी सामान यहाँ सब्जी के ठेले भी आ जाएंगे और दूध के डीलर्स को भी पासिस दिए जा रहे हैं, तो वो दूध भी घर घर पहुँच जाएगा और राशन की दुकानें इसी एरिया की खुलवा देंगे ताकि लोग अपने एरिया से ही राशन ले लें। देखिए शहर में हमने टोटल 18 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, यहाँ पे मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, आने जाने का एक ही रास्ता रहेगा और यहाँ जो भी आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होगी उनकी सूरी सूची बना के रखी हुई है एंट्री एग्जिट गेट पे रजिस्टर पे। तो ये है कि जब तक यहाँ पे लोग पॉजिटिव हैं तब तक उसके 14 दिन तक कंटेनमेंट जोन रहेगा, जिसके बाद इसको डिसमेंटल करके नई जगह बनाया जाएगा।